ओ हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मामा के यहाँ। और मामा के यहाँ मैं आ चुका हूँ बेर खाने, क्योंकि गांव में बेर ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मैं थोड़ा गांव से दूर रहता हूँ, भावपुर में रहता हूँ मैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हरा भरा है, बढ़िया गेहूँ की फसल है और बादल भी हैं, आज बादल भी मुस्कुरा रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी बड़ी बारिश की वजह से सब गड्ढे हो जाते हैं। हम लोग कहाँ लिए चल रहे हो यार भाई, अगर किसी ने देख लिया ना तो हमारे खेत में गेहूँ तोड़ रहे हैं, तो पक्की बात है वो बिना गरियाए छोड़ी है ना। तो एक चीज और दिखाएंगे बेरी के पास में, तो ये आ चुकी है बेरी के पास में, नदी है इसको कहने हम लोग। और ये देख सकते हैं ये आ गई हमारी बेरी, जिस बेरी में हम आए तोड़ने। तो बने रहिएगा हमारे पूरे ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको बेर। तो मैं आ चुका हूँ नदी के किनारे और नदी के किनारे ही बेरी हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी बड़ी नदी है ये, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, गांव का माहौल है। ये पीछे नदी देख सकते हैं यहाँ पर भाई, अगर तनक भी पैर फिसल गया ना तो यहाँ पर रोल बनते हुए नीचे चले जाएंगे अभी। इस नदी में हम बचपन में बहुत नहाया करते थे, नहाया करते थे। ये कहाँ ले चलो, कितनी दूर भाई? नीचे से आओ तो आगे है। देखो अभी देखना नीचे सीधे गिरेंगे जाके नदी में अभी। तो हम आ चुके हैं नदी के किनारे, देख सकते हैं यहाँ पर ये हरी भरी घास है। यहाँ पर जैसे नहीं क्या बोलते हैं बॉलीवुड के एक्ट्रेस शूटिंग करते हैं, वैसे कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है भाई नदी के किनारे। और ये आ चुके हैं बेरी, इसमें बेर एर तो है नहीं, है बेर, ये देख सकते हैं आप बेर, ये पका हुआ बेर लगे हैं। ऐसे मैंने एक बेर तोड़ा और ये मैं खाने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इनको खिलाने बेरे को, क्योंकि और ये एक तोलू मोलू है, तोलू मोलू ने बेर दिया उठा के। अगर आपके गांव में बेरी हो तो हमें बता देना, हम झोला लेके आ जाएंगे। झोला लेके गांव का नाम भी तो एड्रेस, गांव का नाम एड्रेस डाल देना, आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बेर लगे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, पके पके बेर लगे हैं ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहे होंगे शायद। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और ये हमारा अदालो पर पहनते हुए छोटा भाई, ये आज पूरा झोला भरवाएंगे। डंडा है नीक ना, ये झोला तो भर दिए। हाँ ये वाह, सिग्मा सिग्मा फार्मूला, बेर झोरने का सिग्मा फार्मूला, निंजा ट्रिक। अब पुलर उलर के झोरो ऐसे, देख अभी ये इसमें जाएगा दोस्तों, देखना अभी उलर के, देखना अभी गिरे रहे क्या इसे, गिर रहे कच्चे हैं। यार हाइट ना आई है इतनी, अब बताओ इनको बताओ हाइट कैसे बढ़ाई जाती है भाई, हम भी यार थोड़ी मेहनत करवा ले। तो हम भी थोड़ी मेहनत करवा लेते हैं। लो तुम लंबे हो, लंबे नहीं हम जाके हिला दें जाके, है ठीक। तो हम जाते हैं हिलाने, अब देखते रहिएगा दोस्तों मैं चल देता हूँ बेरी को हिलाने। इसमें रिक्स भी है और रिक्स नहीं भी है, कांटा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ओ भाई सांप आप तो नहीं है यार? सांप नहीं है भाई, रिक्स तो भाई इसमें सांप भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो गाइस देखो यहाँ पे हमको एक बेर मिल चुका है भाई, कांटे लग रहे हैं यार बहुत, हलाने के लिए कुछ पकड़ने के लिए है नहीं। गाइस हमको एक बेर मिल चुका है और ये जो भी झोले हम डालेंगे। तो गाइस यहाँ पे बारिश होने लगी है बेरों की, ये देखो गाइस, ओ माय गॉड, ये गाइस देखो हम गिर चुके हैं खड्डे में। और अमन भैया गिराओ, ये देखो गाइस
इतनी वर्षा बेरों की मैंने लाइफ में पहली बार देखी है। आप लोगों ने तो देखी नहीं होगी। तो गाइस आप लोगों ने तो कभी देखी नहीं होगी। अमन भैया देखो हला के आ चुके हैं बेरी को। ओ भाई लोग फंस गए, मेरा ट्रैक सूट और फट गया। अमन भैया का फट गया ट्रैक सूट। लो अमन भैया कैमरा संभालो, हम बेर मिल लें। तो हम लोग चल रहे हैं घर और ये मैंने तोड़ लिए हैं बेर। पता नहीं कि जंजाल में फंसा दिया इसने। तनक भी अगर चूक गया तो पैर गंदे हो गए हमारे भाई, पूरे पैर गंदे हो गए मेरे, आज कपड़े भी पूरे गंदे हो गए हैं। अब घर चलो, ठीक है अब चलो घर, क्योंकि अब देर हो रही है, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। जाना है मम्मी को लेके घर, पूरे कपड़े तो ऐसी तैसी करा दिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए गाइस आप खुशी रहो।